हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड माई सेल्फ नेहा वर्मा योर किंडर गार्डन टीचर स्टूडेंट्स आज की लर्निंग हम क्यों ना इस ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ करें हम होंगे कामयाब यस स्टूडेंट्स अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी और इस कामयाबी में मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से आपके साथ है क्यों क्योंकि स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन आपको किंडर गार्डन से ट्वेल्थ तक किसी भी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो प्रोवाइड करता है ओके एंड दैट टू क्वालिटी बेस्ड वीडियोस मतलब कहीं पे भी आपको ये फील नहीं आएगा कि हमें ये डाउट है वीडियो देख के आपके सारे डाउट क्लियर होंगे स्टूडेंट्स राइट और स्टूडेंट्स ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक दो टॉपिक के वीडियो दे दिए जाएं और फिर आपसे सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है मैग्नेट ब्रेन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है स्टूडेंट्स so यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए अपनी स्टडीज को स्ट्रॉन्ग बनाइए ओके स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे अपना कर्सिव हैंड राइटिंग और आज हम लेटर्स लिखेंगे फ्रॉम के टू ओ यस हम के टू ओ अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखेंगे कर्सिव के टू करसिव ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट सो यस K for kite, patang. K for kangaroo, right, student? So K को हम कर्सिव में कैसे लिखते हैं, student? This is normal K जो हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, right? अब हम K को कर्सिव में कैसे लिखते हैं? So look here. Yes, these are the four lines जो आपकी इंग्लिश की कॉपी में होती है. जल्दी से रिवाइज करते हैं. What is the first line? What we call the first line? Yes, it's capital line.

कर्सिव में भी आपको थोड़ा सा ऐसा करना है बट उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन उसमें और सुंदरता ऐड कर देनी है कैसे लिखोगे आप लोखिया सी दिस इज द फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन आप के लिखते समय यू विल नॉट टच फोर्थ लाइन आप फोर्थ लाइन को टच नहीं करेंगे क्या करेंगे आप स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन मेकअ कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन बना के नीचे लाइए थोड़ा सा इसको कर्व कर दीजिए देन मेक अ के दिस एंड दिस ओके स्टूडेंट तो हमने के बनाया बस उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल ब्यूटी उसमें एड कर दी राइट right? चलिए फिर से देखते हैं मेक अ कर्व स्लाइट स्ट्रेट लाइन बना के थोड़ा सा कर्व कर दीजिए एंड मेक अ नॉर्मल के राइट अब देखो स्टूडेंट V ऐसे बनता था हमने V को ऐसे टर्न कर दिया कर दिया दिस इज द शेप ऑफ द V हमने V को ऐसे टर्न कर दिया दिस इज द शेप ऑफ द V फॉर वैन हमने ऐसे टर्न कर दिया अंडरस्टूड सो दिस इज कर्सिव कैपिटल K अब आप स्मॉल K कैसे बनाओगे वो भी बहुत सिंपल है आप वैसे स्मॉल K ऐसे बनाते थे स्टूडेंट राइट right? अब क्या करोगे आप मेक अ स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड टू ब्लू लाइंस के बीच में बना के ऐसा टर्न कर दो ओके स्टूडेंट स्लैंटिंग लाइन मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइक दिस आपको क्या करना है आपको स्टूडेंट आर बनाने आता है ऐसे करके तो हमने यहां पे आर बनाया देखिए लुक हियर। विल डू इट अगेन क्या करेंगे हम मेक अ स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन बनाइए और यहां पे आर बना दीजिए अंडरस्टैंड नाउ चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ कैपिटल आर फॉर रैबिट बन गया हमारा स्मॉल के वेरी सिंपल है ना हमने यहां पे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनाई और इस इधर फेस करता हुआ वो वी बना दिया राइट right? यहां पे हमने क्या किया स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड कैपिटल आर अंडरस्ट बन गया हमारा कर्सिव कैपिटल के एंड अ स्मॉल के राइट स्टूडेंट चलिए अब हम इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं सो दिस आर द फोर लाइंस राइट कैपिटल लाइन वेस्ट लाइन बेस लाइन एंड टेल लाइन अब आप क्या करेंगे हियर हमें फोर्थ लाइन को टच नहीं करना है हम कहां से स्टार्ट करेंगे थर्ड सेकेंड लाइन दिस दिस एंड दिस दिस इज कर्सिव कैपिटल के फिर से प्रैक्टिस करिए स्लैंड लाइन

स्टूडेंट स्लैंड लाइन बनाया स्ट्रेट लाइन बनाया एंड कैपिटल आर बना दिया स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कैपिटल आर ओके स्लैंड लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कैपिटल आर आर फॉर रैबिट स्ल्टिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कैपिटल आर ओके स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कैपिटल आर सो दिस इज करसिफ कैपिटल एंड अ स्मॉल के अंडरस्ट तो चलिए अब हम नेक्स्ट एल्फोबेट देखते हैं वो कौन सा एल्फोबेट है यस तो दिस इज एल्फॉर लायन एल्फॉर लायन राइट स्टूडेंट तो एल हम ब्लॉक लेटर में ऐसे लिखते हैं राइट right स्टूडेंट अब हम इसको कर्स में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं फोर लाइन आप ब्लॉक लेटर में एल कैसे लिखते थे स्टूडेंट लाइक दिस वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन स्लैंपिंग लाइन और स्मॉल एल कैसे लिखते थे आप स्टूडेंट नॉर्मल दिस इज ब्लॉक लेटर एल एंड दिस इज नॉर्मल एल ओके अब हम इसको कर्सिव में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट सेम वे वी विल नॉट टच द फोर्थ लाइन हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन को ही यूज करेंगे हम फोर्थ लाइन को टच नहीं करेंगे क्या करना है आपको ओके okay, स्टूडेंट तो लेट सी आपको थ्री लाइन यूज करनी है स्टूडेंट फोर्थ लाइन आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे सो वेरी सिंपल आपको सेकेंड लाइन तक टच नहीं करना हाफ में स्लैंटिंग लाइन बनाइए वापस स्ट्रेट लाइन बना के और नॉर्मल एल बना के कर्व करना है क्या करेंगे आप लाइक दिस एंड मेकअ कर ओके आपको क्या करना है स्टूडेंट छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाओ वापस स्ट्रेट लाइन बनाओ टर्न करके ओके okay. स्लैंटिंग लाइन बनाओ स्ट्रेट लाइन बनाओ नीचे आओ टर्न करके वेव बना देनी है अंडरस्टूड अंडरस्टूड स्टूडेंट फिर से देखिए स्लैंटिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन से नहीं बनानी मिडिल ऑफ द सेकेंड और फर्स्ट लाइन वापस स्ट्रेट लाइन नीचे लाइए टर्न करके वेव बना दीजिए दिस इज वेव ओके स्टूडेंट दिस इज वेव तो ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल एल और स्मॉल एल कैसे बनाएंगे बहुत सिंपल है थ्री लाइन यूज करनी है स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन और बीच में नीचे कर्व स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व ओके चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग सो फर्स्ट कैपिटल एल क्या करेंगे हम स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ वेव स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ वेव अंडरस्टूड स्टूडेंट बस आपको कुछ नहीं करना स्लैंटिंग लाइन बना के स्ट्रेट लाइन बना के वेव बना देनी है वेरी सिंपल स्मॉल एल कैसे बनाएंगे स्लैटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ करव स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ करव सो दिस इज स्मॉल एल राइट दिस इज कर स्मॉल एल बहुत सिंपल है फर्क देखिए दिस इज नॉर्मल एल दिस इज करसिव एल दिस इज नॉर्मल एल दिस इज करसिव एल ओके स्टूडेंट तो चलिए अब हम इसको आपकी इंग्लिश की नोटबुक्स में कैसे लिखेंगे सी, दीज आर योर फोर लाइन ओके स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लाइन में फोर्थ लाइन को टच नहीं करना है स्टूडेंट यस, दिस इज कर्सिव कैपिटल एल आपने छोटा सा स्लैंट लाइन बना के स्ट्रेट लाइन बनाइए और वेव बना दीजिए डेट सेट स्लैंटिंग लाइन बनाइए स्ट्रेट लाइन टर्न करके वेव बना दीजिए स्लैंट लाइन देखिए जो स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे स्टूडेंट वो सेकेंड लाइन से नहीं बनाना फर्स्ट और सेकेंड लाइन के मिडिल में से स्टार्ट करना है स्लैंटिंग लाइन टर्न करके स्ट्रेट लाइन एंड अ वेव स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ वेड ऐसे ही आपको स्मॉल एल कैसे बनाएंगे आप कर से यू अगेन यू विल नॉट यूज द फोर्थ लाइन थर्ड लाइन से स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड अ कर

राइट सो दिस इज ब्लॉक लेटर एम एम स्टूडेंट जस्ट बिलीव इट करसिव एम और ब्लॉक लेटर एम में बहुत डिफरेंस नहीं होता बहुत ईजी होता है तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे दीज आर द फोर लाइन आप नॉर्मल एम कैसे लिखते थे स्टूडेंट आप ऐसे करके लिखते थे और स्मॉल एम आप ऐसे लिखते थे ओके okay. अब आपको क्या करना है आपको फोर्थ लाइन टच नहीं करना स्टूडेंट यू विल नॉट टच द फोर्थ लाइन यू विल यूज ओनली द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन क्या करेंगे आप छोड़ा सा कर्व बनाते हुए ऊपर जाइए और एम नीचे तक टच करते हुए एम बनाइए वेरी सिंपल अंडरस्टूड बस आपको क्या करना है स्टार्टिंग में कर्व बनाना है और एंडिंग में कर्व बनाना है और थर्ड लाइन को टच करना है ओके लोखिया लाइक दिस And like this. Understood? Understood, student? फिर से देखिए, like this and this. So this is cursive capital M. M for monkey. humne kya kiya hai bas humne aise likha hai कुछ नहीं हमने थोड़ा सा पहले curve बनाया है और end में curve बनाया है and we have to touch the third line. Right, student? तो चलिए अब। स्मॉल एम कैसे लिखते हैं स्मॉल एम यू विल नॉट टच द फर्स्ट लाइन यू विल नॉट टच द फोर्थ लाइन मेक अ अंटिंग लाइन एंड मेक अ नॉर्मल अल एंड मेक अ टेल अंडरस्टूड आप नॉर्मल एम ऐसे बनाते थे अब आपको ऐसे बनाना है स्लैंडिंग लाइन बनाओ नॉर्मल एम बनाओ और उसकी टेल बना दो अंडरस्टूड सो स्लैंड लाइन नॉर्मल एम एंड टेल राइट स्टूडेंट सो दिस इज करसिफ स्मॉल एम एक बार हम दोनों ट्राई करके देखते हैं स्टूडेंट सो दिस इज कर्सिव कैपिटल एम एंड दिस इज करसिफ स्मॉल एम सो लुख्य बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपको कैपिटल एम में स्टार्टिंग में कर्फ बनाना है एंडिंग में कर्फ बनाना है और थर्ड लाइन को टच करना है द मिडिल पॉइंट विल टच दी थर्ड लाइन स्मॉल एम स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एम एंड टेल अंडरस्ट तो चलिए अब हम इसको आपकी नॉर्मल कॉपीज में कैसे लिखेंगे राइट स्टूडेंट सो लाइन को हमें टच नहीं करना जब हम कैपिटल कर्सिव सिर्फ लिखेंगे सो दिस इज कर्सिव कैपिटल एम वेरी सिंपल कर्व बनाइए बनाइए और फिर से कर्व बना दीजिए नॉर्मल एम एंड कर्व कव नॉर्मल एम एंड कर्व अंडरस्टूड स्टूडेंट बस आपको क्या ध्यान रखना है यू विल टच दर्ड लाइन ओके स्मॉल कर से वे हम कैसे बनाएंगे यू विल नॉट टच दर्स्ट एंड द फोर्थ लाइन आपको टच नहीं करना है टू ब्लू लाइन में ही लिखना है स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एम एंड टेल स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एम एंड टेल स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एम एंड टेल Okay, student. So, this is cursive capital M and a small m. Right? So, practice this in your copy, student. It is very simple. But you have to practice it. That's it. Right? So, now tell me which letter will come after M. Yes? K L M N. N for nest. Right? दिस इज एन एन फॉर नर्स ऑल्सो है ना जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहा जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होते हैं और नर्सेस भी होती है राइट सो नर्स ऑफ अस है ना सो नाउ स्टूडेंट लेट एस लर्न हाउ टू मेक एन एन भी बहुत सिंपल है इट्स मोर ओवर सिमिलर टू द ब्लॉक एन देखिए स्टूडेंट जब आप नॉर्मल एन लिखते थे तो कैसे लिखते थे लाइक दिस येस एंड दिस इज स्मॉल एंड अब आप करसिव में कैसे लिखोगे कुछ नहीं आपको स्लैंड थोड़ा सा कर्व बना के ऊपर जाना है एंड वापस कर्व बना देना है आप नॉर्मल एंड बनाइए और ऊपर कर्व बना दीजिए राइट स्टूडेंट और स्मॉल एंड बना right, कैसे बनाएंगे बिटवीन द टू ब्लू लाइन स्लैंटिंग लाइन

कुछ नहीं किया स्टूडेंट सो दिस इज करसिव कैपिटल एन अब आप इसको कॉपीज में कैसे बनाएंगे स्टूडेंट दिस इज योर इंग्लिश कॉपी हमें क्या करना है वी विल नॉट यूज द फोर्थ लाइन कैसे बनाएंगे आप कर्व मेक अमल एन कव नॉर्मल एन एंड अगेन द कव कव नॉर्मल एन एंड अ कॉर्मल एन बनाइए और ऊपर भी कव बना दीजिए सिर्फ कैपिटल एल स्म एंड कैसे बनाएंगे आपको फर्स्ट और फोर्थ लाइन को टच बिल्कुल नहीं करना स्टूडेंट स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एन एंड अ टेल स्लैंटिंग लाइन नॉर्मल एन एंड अ टेल स्लैंटिंग लाइन बनाइए नॉर्मल एंड बनाइए और उसकी पूछ निकाल दीजिए अंडरस्ट सो दिस इजिव कैपिटल एंड स्मॉल एन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट ये आप नॉर्मल एन लिखते थे and this is n. ये आप नॉर्मल एन लिखते थे एंड दिस इज करसिव एन ओके स्टूडेंट सो दिस इज दिस इज द वे वी राइट करसिव एन इज लाइक दिस ओके नाउ विच लेटर विल कम आफ्टर एंड टेल मी के एल एम एन ओ सो ओ फॉर आउल आउल इज ए नाइट बर्ड आउल हमेशा कब निकलता है रात को निकलता है स्टूडेंट सो ओ लिखना भी बिल्कुल ईजी है कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं स्टूडेंट दीज आर द फोर लाइन्स आप जब नॉर्मल ओ लिखते थे तो कैसे लिखते थे जस्ट अ सर्कल ओके एंड अ स्मॉल ओ इज ऑल्सो अ सर्कल बिटवीन द ब्लू लाइन्स अब आपको कर्स में कैसे लिखना है स्टूडेंट यू हैव टू मेक अ सर्कल और ऊपर कर्व बनाना है यू हैव टू मेक अ सर्कल एंड मेक अ कर्व सो दिस इज कर्सिव कैपिटल ओ स्मॉल ओ कैसे बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन बिट्वीन द टू ब्लू लाइन मेक अ सर्कल एंड अ कर्व

सर्कल एंड अ करव ओके स्टूडेंट अब हम इसको स्मॉल ओ कैसे बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन सर्कल एंड अव स्लैंटिंग लाइन सर्कल एंड अर्व सो दिस इज करसिव कैपिटल ओ एंड दिस इज स्मॉल ओ ओके अब हम इसको अपनी इंग्लिश की कॉपीज में कैसे लिखेंगे सो दीज आर योर फोर लाइन कॉपीज क्या करना है आपको फोर्थ लाइन को तो आपको टच करना ही नहीं है स्टूडेंट सो कर्सिव कैपिटल ओ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट मेक अ सर्कल एंड अ कर्व मेक अ सर्कल एंड अ कर्व मेक अ सर्कल एंड अ कर्व वेरी सिंपल सर्कल बनाओ और कर्व बना दो है ना और ये जो कर्व बन रहा है ये अपवर्ड फेसिंग है ऊपर की तरफ फेस करता हुआ स्मॉल ओ कैसे बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन ओ एंड अ कर्व और जो स्मॉल ओ बनेगा कर्सिव स्टूडेंट वो ब्लू लाइंस के बीच में बनेगा Slanting line O and a curve, slanting line O and a curve, slanting line O and a curve. So see students, this is cursive capital O and a small O. तो देखा आपने बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था इट्स वेरी इजी बस आप देखो कि हमें क्या आप सुनो चीज और अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करो देन इट विल बिकम वेरी इजी टू राइट ओके स्टूडेंट सो आप प्रैक्टिस करिए कर्सिव लेटर्स फ्रॉम के टू Oh, हमने देखा के कैसे लिखते हैं देन एल एम एन ओके स्टूडेंट तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी राइटिंग और ब्यूटिफुल हो जाए ओके सो स्टूडेंट ये पूरा वीडियो आपको मैग्नेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा जैसे ही आप किंडर गार्डन चूज करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर यहां पर आपको मिलता है किंडर से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो स्टूडेंट्स वीडियोस देखते रहिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ओके okay? तो बाकी के जो लेटर्स हैं हम उनको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो टिल देन बाय बाय टेक केयर